नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं मशीन पॉइंट। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टेक्निकल नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले और आप वीडियो को देखकर कुछ सीख सकें और समझ सकें। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ कि जैसे कि बहुत सारे ऑपरेटर और ऑनर हमें कॉल करते हैं कि हमारे BS4 की व्हीकल में वायरस आ चुकी है जिसकी वजह से हमारी व्हीकल की जो पिकअप है वो कम हो चुकी है और डीजल की कंजम्पशन जो है वो बढ़ चुकी है और जब हम माइन से हमारी व्हीकल लोड लेकर उठती है तो वो माइन से आसानी से उठ नहीं पाती है। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली वायरस बोल के कोई चीज़ नहीं होती है BS4 में, एक्चुअली वो एरर कोड है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मान लेते हैं हमारे इंजन में किसी तरह की भी मलफंक्शन हुई तो वो एरर कोड एक्टिव और इनएक्टिव होते रहते हैं। जैसे ही वो मलफंक्शन क्लियर हो जाती है ऑटोमेटिकली वो इनएक्टिव हो जाती है एरर कोड। जैसे ही हमारा SCR सिस्टम में अगर मलफंक्शन की वजह से कोई एरर कोड एक्टिव हो गया है तो उसके बाद मलफंक्शन क्लियर होने के बाद वो ऑटोमेटिकली इनएक्टिव हो जाती है। पर ये एक्टिव और इनएक्टिव एरर कोड जो है ECM की मेमोरीज में जाकर सेव हो जाती है। तो ECM की मेमोरीज में जाकर सेव हो जाती है, इसके वजह से ECM ये इंडिकेट करता रहता है कि अभी तक इस व्हीकल में प्रॉब्लम है जिसके वजह से जब इंजन की पिकअप की ज़रूरत होती है उस समय डीजल की फ्लो को वो दे नहीं पाती है। जितनी डीजल की ज़रूरत होती है, जितनी फ्यूल की ज़रूरत होती है हमारी पिकअप के लिए, उतनी वो दे नहीं पाती है जिसके वजह से हमारी पिकअप कम हो जाती है और पिकअप कम होने की वजह से हमारी फ्यूल की कंजम्पशन जो है वो बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, अगर हमें इस तरह की प्रॉब्लम है तो हमें ये इंस्ट्रूमेंट पैनल में आसानी से देख सकते हैं। हम इंस्ट्रूमेंट पैनल में आसानी से देख सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट पैनल में एक MIL लाइट दिया हुआ है जिसके वजह से वो एरर कोड के वजह से ब्लिंक करते हैं और इसे हमें डिलीट करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम इसे डिलीट नहीं करते हैं तो ये प्रॉब्लम हमेशा कंटिन्यू चलता रहेगा और इस तरह की जो कंप्लेन है वो आती रहेगी। तो फ्रेंड्स, हम आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इसे डिलीट कैसे करते हैं और हमारे ECM को क्लीन कैसे करते हैं और जो भी पैरामीटर्स है हम उसे चेक कर लेंगे। अगर उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम है तो उसे भी हम लोग देख लेंगे। फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि एक्टिव एरर कोड भी आसानी से इरेज हो जाते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू और कभी कभी ये एरर कोड जो एक्टिव एरर कोड है वो डिलीट नहीं हो पाते हैं। तो डिलीट नहीं होते हैं तो हमें उसे सर्च करना रहता है कि ये एरर कोड कहाँ से है और क्यों एक्टिव है। तो इस एरर कोड के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये एरर कोड कहाँ से है और हमें किस सिस्टम को चेक करनी है। तो फ्रेंड्स, ये सॉफ्टवेयर जो है ये हमें ये सारी मदद करती है ये सब करने में और ये हमें मैकेनिकल जो BS3 में है उस टाइप से इसमें नहीं है कि हम ये चेक कर लिए या अपने हाथ से पंप की फ्लो को बढ़ा लिए या कम कर लिए। तो इसमें ये फुल्ली कंप्यूटराइज्ड है तो हम इसे लैपटॉप के जरिए ही इसे कर सकते हैं और अन्यथा इसे हम नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये डिलीट होते हैं और इसे क्लीन। चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ डायग्नोस्टिक पॉइंट में हम अपनी केबल को कनेक्ट कर लेते हैं और ये हमारा डाटा लिंक अडेप्टर। देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 लाइट ब्लिंक कर रहे हैं, 2 ब्लिंक कर रहे हैं, एक रेड कलर की पावर वाली है और यहाँ पे ये हमारा लैपटॉप और ये सॉफ्टवेयर है हमारी जो अभी ECM से कनेक्ट नहीं है तो इसे हमें ECM से कनेक्ट करनी है पहले। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखिए यहाँ पे नो ECM कनेक्टेड लिखा हुआ है। तो चलिए अब हम यहाँ से हम ECM को कनेक्ट कर लेते हैं इस सॉफ्टवेयर को, तभी ये सॉफ्टवेयर हमें ECM से कम्युनिकेट कराएगा और सारी डाटा हमें ये देगा। तो चलिए हम यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं, देखिए कनेक्ट होने में जो कुछ समय लगती है। तो चलिए इसे हम कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट होने के बाद हम इसे फॉल्ट कोड में जाएंगे और चेक करेंगे कि इसमें कितनी सारी एरर कोड और फॉल्ट कोड एक्टिव हैं और इनएक्टिव हैं। ये देखने के बाद इस व्हीकल में जो है यही कंप्लेन थी कि हमारी जो व्हीकल है पिकअप नहीं लेती है और पिकअप लेती है भी तो लेट से। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ECM को कनेक्ट हो गया है और यहाँ पे देखिए जॉब वर्क भी ला गया है तो उसे हमें बाईपास कर देनी है
और अब हमें फॉल्ट कोड के ऊपर में क्लिक कर देनी है। फॉल्ट कोड के ऊपर में क्लिक करेंगे तो हमें एक्टिव और इनएक्टिव कोड सारे मिल जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए फ्रेंड्स, अभी इसे हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ऊपर करने के बाद हम इसे चेक कर लेंगे कितने सारे एरर कोड हैं और कितने बार आए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 एरर कोड्स हैं और यहाँ पे काउंट्स भी आए हुए हैं। देखिए यहाँ पे काउंट्स आए हुए हैं कौन से एरर कोड कितने बार आए हैं। तो चलिए, हमें इसे रीसेट करना है, ECM से इसे हटाना है, जिसके वजह से ये MIL बटन जो है वो बार बार ब्लिंक करके इंडिकेट करती है कि हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम है। तो चलिए, हमें यहाँ से इसे चेक कर लेनी है, कुछ DEF सिस्टम की है। यहाँ से हमें राइट क्लिक करनी है, रीसेट ऑल फॉल्ट कोड पे जानी है, यहाँ पे ऑल क्लिक करनी है। ऑल पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ से ओके कर लेनी है, आर यू श्योर टू इरेज दी ऑल फॉल्ट कोड यहाँ से पूछेगा, तो हमें इसे ओके कर लेनी है और इसे क्लिक कर देनी है। चलिए, तो ये हमारी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है डिलीट होने के लिए। जैसे ही ये डिलीट होगी, हमें एक नोटिफिकेशन आएगा कि हमारी ECM से ये एरर कोड्स जो हैं वो इरेज हो चुके हैं सक्सेसफुली। तो चलिए, हम देखते हैं ये कितने देर में हमारी ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। तो चलिए, इसमें कुछ समय लग सकती हैं, तो हम लोग देखते रहेंगे ये किस तरह से हमारी फॉल्ट कोड जो है यहाँ से डिलीट होते हैं। यहाँ से ओके कर लेंगे, ये ओके करने के बाद देखेंगे ये सारी फॉल्ट कोड जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से इरेज हो जाएगा और हमारी ECM जो है वो क्लीन हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, ये ऑल फॉल्ट कोड डिलीट हो चुके हैं यहाँ से, यहाँ पे नो फॉल्ट कोड लिख चुके हैं क्योंकि ये हमने डिलीट कर दिया इस सॉफ्टवेयर की मदद से। तो चलिए, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। अभी तक तो हमारी कोई भी फॉल्ट कोड नहीं है। अब हम इसे फीचर्स एंड पैरामीटर्स में जाकर चेक कर लेंगे कि हमारी इसकी फीचर्स एंड पैरामीटर्स करेक्ट हैं या नहीं है, क्योंकि ये व्हीकल जो थी वो हमारे पिकअप जो है वो बीच बीच में छोड़ रही थी और पिकअप लेने में प्रॉब्लम कर रही थी। तो फीचर्स एंड पैरामीटर्स के ऊपर में क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे रीडिंग डाटा, रीडिंग फीचर्स एंड पैरामीटर आ जाएगा। ये रीड कर रहे हैं और रीड करने के बाद ये सारी फीचर्स हमारे हमें इस डेस्कटॉप पे दिखेगी। तो चलिए, हम वेट कर लेते हैं कि जब तक हमारे फीचर्स एंड पैरामीटर्स, सारे पैरामीटर्स ना आ जाए यहाँ पे, तो हम यहाँ से हम लोग चेक कर लेंगे। उसके बाद देखिए, ये आने के बाद हम इसे देख लेंगे कि कौन सी है। चलिए, हमारी ये फीचर्स एंड पैरामीटर्स ओपन हो चुकी है, तो अब हम इसे फुल ऊपर से नीचे तक देख लेते हैं कि हमारी किसी तरह की चेंजेस तो नहीं हुई है इसमें। तो अब हमें इसे नीचे की तरफ जानी है और स्पीड को, इंजन की जो स्पीड है RPM, उसे हमें इंक्रीज़ कर लेनी है। तो चलिए, हम देखते हैं कितना पे ये सेटिंग है अभी फ़िलहाल, और इसकी लिमिट को भी हम लोग चेक कर लेंगे। तो चलिए, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ से दिख जाएंगी कि ये कितने पे है। देखिए, यहाँ पे 2200 RPM इसकी 2200 है, तो इसकी लिमिट हम लोग चेक कर लेंगे कि कितने से कितने हम रख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोगों ने लिमिट को देख लिया है, यहाँ पे 3000 तक हम रख सकते हैं। तो चलिए, हम इसे 2700 कर लेते हैं, 2700 करके इसके बाद हम सेंड टू ECM कर लेते हैं। ECM को ये डाटा सेंड कर देते हैं कि हमारी ये जो चेंजेस है इसको एक्सेप्ट किया जाए। तो चलिए, ECM को हम लोग सेंड कर देते हैं, उसके बाद यहाँ से ओके कर लेते हैं। यहाँ से ओके करने के बाद ये एक पूछेंगे कि स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, तो हमें इसे नहीं भी करेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हमारी डाटा जो है वो ECM को सेंड हो रहे हैं और ये वहाँ पे जाके सेव हो जाएंगे कि हमें RPM जो है उतनी तक जानी है। तो चलिए, ये हमारी प्रोसेस लगभग ऑलमोस्ट होने को है, तो इसमें थोड़ी सी समय लगती है। उसके बाद हम इंजन की RPM भी देख लेंगे कि इसकी RPM क्या है और इसकी लिमिट क्या है। तो चलिए, इसे ओके कर लेते हैं। अब हमें ये कंफर्मेशन होगी कि ये, हाँ, ये ECM में सारी डाटा पैरामीटर जो है सक्सेसफुली सेव हो चुकी। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे नोटिफिकेशन आ गया।
तो चलिए अब हम इंजन की स्पीड देख लेते हैं, स्पीड चेक कर लेते हैं। हमारी इंजन की लो आइडल आरपीएम जो है, जिसे बोलते हैं, वो हम देख लेते हैं। इंजन की आरपीएम चेक कर लेते हैं लो आइडल वाली की कितने हैं। तो चलिए हमें इसे ऊपर जानी होती है। देखिए ये हमारे पे 2700 आरपीएम सेट हो चुके हैं। चलिए अब हम ऊपर चलते हैं, लो आइडल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इंजन की अब लो आइडल की प्लस के ऊपर में क्लिक करते हैं। उसके बाद ये हमें देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, ये इंजन की जो लो आइडल आरपीएम है यहाँ पे 650 है। यहाँ लिमिट देखिए 600 to 800 तक रख सकते हैं। तो चलिए हम इसे 600 कर लेते हैं। 600 करने से क्या होता है कि हमारी इंजन को, इंजन की जो साउंड है वो स्मूथ हो जाती है और ये वाइब्रेशन बिल्कुल ही नहीं होती है इस व्हीकल में, और ये साउंड जो है बहुत ही स्मूथ होते हैं। चलिए सेंड कर लेते हैं, सेंड टू ECM, यहाँ से ओके कर लेते हैं। फिर ये हमें पूछेंगे कि स्विच ऑफ करने के लिए, तो हमें ऑफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। और ये हमारा डाटा जो है ECM को सेंड हो चुका है। ये ECM को सेंड होने के बाद इसमें भी एक कंफर्मेशन आएगी कि हाँ, हमारे ये जो पैरामीटर्स हम चेंज कर रहे हैं वो सक्सेसफुली चेंज हो चुके हैं ECM में। तो चलिए अब हम इसे देख लेते हैं, वेट कर लेते हैं कि ये कितने देर में होते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरीके से देख के हमें करनी है और चेक करनी है तो ईज़िली किसी तरह की कंप्लेन नहीं आएगी। तो चलिए ये हमें देखते हैं कि हमारी ये नोटिफिकेशन आ रहे हैं या नहीं। देखिए हमारी नोटिफिकेशन भी आ चुके हैं, हमें ओके कर लेनी है। तो ये हमारी सारी जो डिटेल्स थी और जो मुझे चेंज करना था वो मैंने कर दिया है, और जो भी पैरामीटर्स हमें चेक करनी थी वो भी हमने चेक कर लिया है कि सारे करेक्ट हैं इसमें। तो ये एरर कोड की वजह से ही हमारी व्हीकल में प्रॉब्लम हो रही थी, जिसके वजह से ECM जो है वो बार बार इंडिकेट कर रही थी कि ये प्रॉब्लम अभी भी व्हीकल में है ही। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देख लेते हैं कि हमारी सारी जो पैरामीटर्स है वो बिल्कुल सही तरीके से चेंज हो चुके हैं। फॉल्ट कोड में देखिए यहाँ पे कोई फॉल्ट कोड अब इस व्हीकल में नहीं है, तो अब वो MIL जो लैंप है वो भी बंद हो चुके होंगे, और ये इसे अब इस व्हीकल में किसी तरह की परेशानी नहीं है। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़रूर हमें सब्सक्राइब करें, हमारी चैनल को लाइक करें, और किसी तरह की अगर प्रॉब्लम है या कमेंट्स है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, तो उसका रिप्लाई मैं इसी के ज़रिए दूंगा। चलिए अब हम इसे यहाँ से चेक करने के बाद हम इसकी जो इस सॉफ्टवेयर को है हमें इसे डिसकनेक्ट कर लेनी है। डिसकनेक्ट करने के बाद हमें और जितने भी केबल्स और डाटा लिंक है ये हमें इसे खोल लेनी है। तो चलिए अब देखते हैं, ये फीचर्स एंड पैरामीटर्स को भी हटा लेते हैं, अब हम यहाँ से डिसकनेक्ट कर लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।